नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर, उनके दिए गए उस बयान को लेकर जिस पर अब भारत में राजनीति शुरू हो गई है। बयान अल्पसंख्यकों के सवाल के जवाब में आया था, जहां पर एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथा कथित उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 सालों में, और यहीं पर सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी से कि भारत में लोकतंत्र जो कहा जाता है वहां पर अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। इसी पर प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उस पर भारत में अब कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं की तरफ से खासतौर पर बयान आया है। एक है मनीष तिवारी और दूसरे हैं सुप्रिया श्रीनेत। इसके अलावा इस पूरे विवाद में अब बराक ओबामा यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके बारे में प्रधानमंत्री उन्हें बराक कहकर संबोधित करते थे, अपना दोस्त बताते थे, उनकी भी एंट्री हो गई है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्रधानमंत्री का वो खुद बयान सुनिए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सवाल के जवाब में दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो ये वो बयान था जिसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी शायद यह बताना चाहती है कि भारत में अल्पसंख्यक, या अगर बहुत आसान भाषा में कहें तो मुसलमानों की बात जो है वो की गई है कि वो सुरक्षित नहीं है। इसे लेकर बाकायदा तर्क भी दिया गया है, और इसी बहस में ओबामा के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता मनीष तिवारी ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के उस इंटरव्यू की क्लिप को शेयर किया है जिसमें ओबामा ने भारतीय मुसलमानों का जिक्र किया था। तिवारी ने यह वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, मुझे आश्चर्य होगा अगर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणियां महज एक संयोग थी। बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए जो बाइडेन 8 साल के लंबे समय तक उप राष्ट्रपति रहे, ओबामा लगातार उनके सबसे बड़े समर्थकों में रहे, ये ट्विडलम और ट्विडली हैं। ये कहने के लिए किसी बराबरी वाले प्रभावशाली शख्स को बुलाएं। तो ये मनीष तिवारी ने हमला बोला है ओबामा के उस इंटरव्यू की क्लिप को लेकर। इंटरव्यू में ओबामा ने क्या कहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि मनीष तिवारी के बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसी क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया और लिखा कि मोदी के दोस्त बराक का संदेश। उन्होंने कहा कि मोदी समर्थक इसे भी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता सकते हैं, भक्त कम से कम ये आरोप तो लगा ही सकते हैं।
तो ये हमला कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ओबामा ने ऐसा क्या कहा इस क्लिप में। हालांकि कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ये क्लिप हूबहू हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन इसका जो मजमून है, इसका जो कंटेंट है, वो आपको जरूर बता सकते हैं। इस इंटरव्यू में ओबामा ने एक सवाल के जवाब में कहा, अगर वो राष्ट्रपति होते और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती तो वो भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा का जिक्र करते। ओबामा ने इस दौरान ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हुई तो भारत में विभाजन बढ़ सकता है, जो भारत के हितों के लिए ठीक नहीं होगा। तो इस क्लिप के या इस बयान के आधार पर कांग्रेस ने मोदी पर हमला बोला है। साथ ही तर्क दिया है कि बाइडेन एक लंबे वक्त तक ओबामा के साथ में उन्होंने काम किया, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर कि जो बात ओबामा कह रहे हैं वो बाइडेन क्यों नहीं कह सकते हैं? क्या बाइडेन मोदी से डरते हैं? अगर ऐसा बाइडेन को लगता तो इस बात को वो जरूर कह पाते, लेकिन कुछ लोग इसमें यह भी तर्क दे सकते हैं कि फिलहाल अमेरिका में जिस तरीके की लोकल पॉलिटिक्स है या अमेरिकी इलेक्शंस जो होते हैं उसमें भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि कोई भी मोदी से पंगा लेना नहीं चाहता। आसान भाषा में कहें तो शायद मोदी का वर्चस्व इतना ज्यादा है भारतीय मूल के लोगों के बीच जो कि अमेरिका में रहते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस ओबामा के जिस इंटरव्यू का जिक्र कर मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है, या फिर मोदी ने जिस तरीके से पत्रकार के सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया वही बिल्कुल सटीक था? क्योंकि ये जवाब उस वक्त में भी दिया गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद बगल में मौजूद थे। कुल मिलाकर आपका इस पर क्या कहना है? जो भी आपकी राय होनी चाहिए अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।